¡Vándalo! 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 कितने कानून है, पुरुष का एक कानून दिखाइए। एनिमल राइट है, विमेन राइट है, चिल्ड्रन राइट है, ट्रीज राइट है, मेन राइट एक सुना दो आप मुझे। लेकिन इतने राइट होने के बाद भी तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, रेप की घटनाएं लगातार आती हैं, दहेज की घटनाएं लगातार आती हैं, तो उनको कोई दरकिनार तो नहीं कर सकता ना। उसमें से कितने सही हैं आप मुझे बताइए, आती हैं, प्रूफ कितने होते हैं ये बताइए। लोग तो मजबूत करने की मांग कर रहे हैं, आप कमजोर करने की मांग कर रहे हैं। हम उनके कानून को कमजोर करने की नहीं बोल रही हैं, इनके लिए कानून बनाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। हम किसी का हक नहीं मार रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं। तो पुरुषों के लिए क्या कानून बनना चाहिए? इनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। जब ये वुमेन सेल जाते हैं, इनके साथ इतनी अश्लीलता से व्यवहार होता है, हाथापाई होती है, कोर्ट के परिसर में एक औरत अपने पति ससुर पे हाथ उठा लेती है, तो इनके ये इंसान नहीं है। किसके साथ? इनके साथ हुआ है, सबसे होता है, आपने नहीं देखा? एक और चीज बताइए, आयशा के कांड को पूरे इंडिया ने बताया, संदीप नाहर के कांड को किसी ने क्यों नहीं बताया? वो इंसान नहीं था, उसने भी तो अपना दुख व्यतीत किया था एफबी पे। फिर आदमी रोता नहीं है, आदमी के रोने को नहीं दिखाया जाता। हाँ, औरत के रोने को, आदमी रोता नहीं है, आदमी चार दीवारी में रोता है, औरत बाहर रोती है, अंदर हंसती है। मैं खुद एक औरत हूँ, मैं खुद एक प्रताड़ित हूँ, लेकिन 498 झूठा केस हम पे किया गया है, इसीलिए आज हम नौबत ये आ गई है कि बूढ़े बुजुर्ग हम सब यहाँ रोड पे आ गए हैं। तो यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं सारी महिलाओं से पीड़ित हैं? पीड़ित हैं, या तो वो पीड़ित हैं, या तो उनके भाई पीड़ित हैं, या तो उनके पिता पीड़ित हैं, या तो वो अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग सारे इकट्ठे होके कैसे आए, कि यूनियन कैसे बनाई आपने? हमारी कोई यूनियन नहीं है, हमारा एक ग्रुप है, हम दर्द से दर्द जुड़े हैं। दर्द से दर्द जुड़ता गया और बनाया कैसे, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक एक दूसरे से डिस्कस करते थे, यार आज हम पे ये केस हो गया है, हम क्या करें, हमने पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमारे साथ ये कर दिया। कोई संगठन भी है? हमारा कोई संगठन नहीं है। अच्छा। हमारा बैटल ऑफ 498 ग्रुप है। अच्छा। वो भी हम एक जगह के नहीं है, हम सब अलग अलग जगह से। मैं राजस्थान जैसलमेर से आई हूँ। जैसलमेर से जी? ये आए हैं हरियाणा के हैं, ये दिल्ली आए हैं, वो है, कोई ओडिशा से आया है, कोई तेलंगाना से आया है, सब अलग अलग जगह से आए। भैया बिना दुख के एक चीज बताओ, बिना दर्द के कोई आएगा? क्या सारी महिलाएं बंदूक लेकर चलती हैं? चलती है, कानून की बंदूक। एक दिखने वाली बंदूक होती है, एक बिना दिखने वाली बंदूक होती है, होती है। ये तो खाली आपको दिख रहा है, जो तीर वो जो तलवार वो जो छुप छुप के चला रहे हैं, जो हथियार उनको कानून ने दिया है, जिसका वो मिसयूज करके हम लोगों को घाव दे रही हैं, उसको दिखाने के लिए हमने ये बनाया है। लीगल मुझे भी फंसा दिया, पूरे परिवार को फंसा दिया, छोड़ देगा कोई अपने माँ बाप को? माँ बाप इसलिए पालते हैं अपने औलाद को कि एक दिन बीवी आए उठा के ले जाए, वो अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार नहीं, लड़का अपने माँ बाप को छोड़ दे, ये कहाँ का न्याय है? रेडिएशन में लड़के को प्रेशर डालते हैं कि तू ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तेरे ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे, यही दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं, उसको मानसिक संतुलन कर रहे हैं, मानसिक परेशान कर रहे हैं, जबकि 3 साल से साथ नहीं रहे हैं, उसकी शक्ल देखे हुए 3 साल हो गए, एक रात छत के नीचे क्या गुजार ली, हम पे 323 498 ठोक दिया, क्यों? ये नहीं दिखता कानून को कि कितने लंबे समय से रह रहे हैं, एक छत के नीचे कितने दिनों से रह रहे हैं, ये तो कुछ भी बात नहीं। भैया आप यहाँ खड़े हो, मैं आपको हाथ लगाऊं और पल्लू लगाऊं और मैं ही आपके 354 ठोक दूं। आजकल को औरतों को ये हाथ के रखते हैं, मैं भी एक औरत हूँ, मैं तो मिसयूज नहीं करती, ये गए हमारी सुरक्षा के लिए, उसका मिसयूज कर दिया, इनोसेंट लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हर औरत गलत लगाती है, कुछ गलत लगाती है, उस गलत के खिलाफ हम यहाँ बोल रहे हैं। हेलो, मैं विवेक गुप्ता कोटा राजस्थान से यहाँ पुरुष आयोग की मांग करने आया हूँ। मेरे साथ हैं भाई साहब, आप इनके बात जाने जो इन्होंने बताया। मैं विष्णु तिवारी हूँ, मैं जिला ललितपुर का रहने वाला हूँ, और पुरुष आयोग और जो सिस्टम जो दहेज प्रथा का और जो एसटी एक्ट का
जो चल रहा है, जो गंदा सिस्टम चल रहा है, उसको उसके विषय में हम माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन तक संदेश देना चाहते हैं। हम एक सब समाज, अन्य समाज, सब समाज हम मिलके मतलब ये करना चाहते हैं कि उन तक संदेशा जाए और वो समझे इस चीज़ को कि ये वास्तव में ये गलत चीज़ हो रही है जो इस तरीके से नहीं होने चाहिए। सही जांच हो तब आदमी का केस लगे तो कोई बात नहीं भाई, बेगुनाह नहीं जाने चाहिए। अगर बेगुनाह गया तो उसके साथ साथ एक गुनाह करता है तो चार पांच फ्री जाते हैं, वो भी गलत है। उसके साथ पूरा परिवार नष्ट हो रहा है, खाने पीने का, कौन बच्चों का, सब भविष्य बेकार। थोड़ा आपकी स्टोरी बताएं, आपकी स्टोरी बताएं। हम अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि हम बेगुनाह थे, जो हमने गुनाह किया ही नहीं था, बेकसूर थे। हम पे भी वही लगाया गया और हमको अंदर जेल में ढकेल दिया गया। हमारी जो जमीन, जो जायदाद जो थी, भैंस गाय मकान सब कुछ नष्ट हो गया इसी केस में। आज हम जेल से, ईश्वर की कृपा हम पे, भाई हम बेगुनाह थे इसलिए साहस शक्ति हम बना रहे जेल में। हमारे सामने कम से कम बहुत से लोग बाग हैं जो अटैक पड़ के कम से कम 1000 के करीब मर चुके होंगे 20 साल में, और हम अपनी इसी उम्मीद को बरकरार बनाए रखे कि हम बेगुनाह हैं, झूठे थे, बनते हैं, तो हम इसमें अगर खत्म हो गए। मित्रों एक बार फिर से प्रोग्राम की शुरुआत बताइए। 11-15-3 संविधान की सारी वजह है, इसमें कहा गया था तो स्टेट टू हैव पावर टू मेक स्पेशल लॉ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसी में सारी परस्त हो जाती है। 14 कहती है समानता, लेकिन 15-3 कहती है स्पेशल लॉ। ना अमेरिका ना इंग्लैंड किसी के संविधान में ऐसी धारा नहीं है। मैं सबसे पहले हमें आंदोलन चलाना चाहिए कि संविधान से 15-3 को खत्म करो, सारी फसादों की जड़ी खत्म करो। ऑलवेज गो बाय द रूट, देयर इज कॉल इन सिविल इंजीनियरिंग गो बाय द रूट। मैं इसको महसूस कर, एक बार मेरी स्कूटी खराब हो गई और मुझे स्वामी नारायण अक्षरधाम पहुंचना था। मैं मेट्रो से पहुंचा, मेट्रो से उतर कर गए, मैंने देखा बड़ी भीड़ लगी, एक रिक्शा वाला गरीब खड़ा है, उस गरीब रिक्शा वाले को एक औरत पीट रही है। उस रिक्शा वाले का अपराध क्या था, उसने किराए के 10 रुपए मांग लिए, किराए के 10 रुपए मांग लिए थे। महिलाओं को यह अधिकार किसने दिया कि गरीब रिक्शा वाले को मारे, और मार पीट करके उसने 100 नंबर खोल गया कि इसने मेरे साथ छेड़खानी करी और बदतमीजी की। आजकल की ऐसी महिलाओं को जेल नहीं, फांसी की सजा का जब तक प्रावधान नहीं आएगा इस कानून में। इंटरनेट मेंटेन मांगती है, समाज में सोसाइटी में बेइज्जती हो चुकी थी, पर लड़का डिफेमेशन नहीं डाल सकता, उसको कंसीडर ही नहीं किया जा सकता। अगर लड़की गलत करती है तो लड़के को कंटेस्टेड डिवोर्स ही नहीं मिलता, ओपन तरह से डिवोर्स नहीं ले सकता, उसको इतना हरेश कर दिया जाता है इस जुडिशरी सिस्टम में कि वो सुसाइड करने की सोचता है। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे को खुद सुसाइड के मन करता था, पर जब अपने बूढ़े माँ बाप को देखता था कि मैं अकेला लड़का कौन संभालेगा इन्हें, तब मैं अपने विचार को छोड़ देता हूँ। आपको बेसिक समस्या क्या थी लड़की से, किस वजह से? समस्या तो लड़की को रहना ही नहीं था, उसको मेंटल इलनेस भी है, उसको फिट्स आते हैं, दौरे आते हैं, उसकी मेडिसिन हमने देखी है, उसको प्रॉब्लम है, जो दवाइयाँ पकड़ी गई हैं सिज़ोफ्रेनिया की दवाइयाँ हैं, पार्किंसन की दवाइयाँ हैं। वो बताती है मेरे पिता ने मेरे को सिर्फ एक बार बोला तू शादी कर ले, फिर वो लड़के की जिम्मेदारी, तो रहना चाहे ना रहना चाहे वो पूरी तैयारी करके बैठा है। वो साहब कहता है कि भाई लड़की को दिक्कत कुछ भी हो संभालना तेरे को ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है। मतलब कोई किसी को फ्रेम करके, कॉन्स्पिरेसी करके किसी की गलत बंदे के साथ फंसा दिया जाता है तो उसके साथ बाउंड हो जाता है वो जिंदगी जीने के लिए। साहब बोलती है मुझे ना तो फैमिली प्लानिंग करनी थी, ना मुझे शादी करनी थी, इवन मुझे तुम पसंद भी नहीं थे, तो फिर शादी क्यों करी? मेरे पापा ने बोला इसलिए शादी करी, उनकी इज्जत के लिए शादी करी मैंने। तूने अपने बाप की इज्जत देख ली, सब कुछ देख लिया, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लड़का देखा जाता है, उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। अब ये देखा जाता है कि लड़का अच्छा पैसे वाला है तो अच्छा मेंटेनेंस दे पाएगा, लड़की बैठे बैठे खाएगी, कुछ भी करेगी, सब कुछ चलेगा। लिटिगेशन चार्जेस लड़की के 5000 की अगर फाइलिंग होती है, सबसे बड़ा रोल तो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ एडवोकेसी में भी मिसयूज किया जा रहा है। लड़की को उनको पता होता है, वो जबरदस्ती उल्टे सीधे धाराएं लगवाते हैं, ना एविडेंस होता है ना कुछ होता है। मेरे ऊपर खुद 377 लगवाने की कोशिश करी गई, 377 लगाने की, पर चाहते क्या है वो लोग ये समझ में नहीं आता। उनको अपनी दुकान चलानी है, उनको पैसे लेने होते हैं, 5000 रुपये का लिटिगेशन को 25000 लिखा जाता है, इंटरिम मेंटेनेंस
यहाँ पे हजारों दोस्तों की, मेरी भाइयों की ये डिमांड है कि क्यों ना इंटरिम मेंटेनेंस बंद कर दिया जाए टिल द फाइनल डेट ऑफ जजमेंट। उसकी पहले ही कमर तोड़ दी जाती है इंटरिम मेंटेनेंस में बांध के, उसको रेंट एग्रीमेंट और ये उनके खर्चे जोड़ के, और फिर बाद में एक मोटा अमाउंट मेंटेनेंस का ही बांध दिया जाता है, और फाइनल ऑर्डर होने तक उसका एक बहुत बड़ी अमाउंट। हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना ढीला है, इतना लचर है कि ये 5, 6, 10 साल तक चल जाते हैं मैट्रिमोनियल केसेस। जब एक गवर्नमेंट एक लड़की को 2500 से ज़्यादा या तो डिवोर्स या फिर विधवा पेंशन नहीं देती, तो फिर एक लड़के को क्यों बांधा जाता है कि उसकी